और गांव की है ना चाय है ना, तो गांव की चाय को चाय नहीं बोलना चाहिए, उसको है ना चाशनी और मलाई से बनी एक मिठाई घोषित कर देना चाहिए। कुछ है ना लोग है ना खाने का तैयारी कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे है ना ऐसा खाने की तैयारी ऐसे चलते रहती थी, चाय तो मतलब ऐसे बनते रहती थी, चाय पे चाय चल रही है लोगों की, 2 मिनट चाय खत्म नहीं हो रही, दूसरा कप आगे रख दे रही कि लो भाई चाय पियो। तो वहाँ पे है ना महिलाओं को है ना वो बेचारी सुबह उठेगी 4 साढ़े 4 बजे उठेगी, नहाएगी धोएगी सब करेगी, सबसे पहले चाय बनाएगी, जो भी सोया रहेगा सबको उठाएगी चाय पिलाएगी, वो बंदा उठेगा मस्त जाएगा नहाएगा धोएगा स्नान एवं इत्यादि जो भी करना है उसकी दिनचर्या करेगा, फिर आके बैठेगा, फिर उसको चाय चाहिए, फिर सबके लिए चाय बनेगी, फिर है ना ऐसे ही करते हैं ना थोड़ा नाश्ते का टाइम हो जाएगा, फिर नाश्ते के टाइम पे फिर चाय बनेगी सबके लिए, नाश्ता ख़त्म नहीं होता था, लोगों का जुबान से आखिरी कोल नहीं जाता था तो खाने का टाइम हो जाता था, उसके बीच में भी एक बार खाने के पहले फिर चाय बनेगी, तो ऐसा हो जाता था प्री ब्रेकफास्ट चाय, पोस्ट ब्रेकफास्ट चाय, लंच के पहले चाय, लंच के बाद चाय, तो मतलब खाना खा रहा है इंसान, फिर खाना खाते खाते इतनी पब्लिक होती थी कि खाना खाते खाते भी है ना शाम हो जाती थी, फिर शाम की फिर चाय, इवनिंग चाय, इवनिंग में भी ऐसा रहता था कि प्री इवनिंग चाय, पोस्ट इवनिंग चाय, उसके बाद है ना 6 बजे फिर एक और बार चाय, फिर धीरे धीरे करके खाने का टाइम हो जाता था, खाने खाने के पहले एक बार चाय, खाना खाने के बाद एक बार चाय, सोने के पहले एक बार चाय, फिर वही उठने के बाद चाय, तो मतलब है ना वहाँ की महिलाओं का पूरा दिन खाना बनाना, खाना खिलाना, चाय पिलाना और इसी में निकल जाता था। तो ये है ना शादियों का ऐसे रहता है, गांव की शादी रहेगी ना तो वहाँ पे बंदा है ना मतलब पानी नहीं पीता, वहाँ पे चाय पीता रहता है, पानी मत दो एक बार उनको चल जाएगा, लेकिन चाय नहीं दी तो बुरा मान जाएंगे, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाएंगे। गाँव की है ना चाय है ना, तो गाँव की चाय को चाय नहीं बोलना चाहिए, उसको है ना चाशनी और मलाई से बनी एक मिठाई घोषित कर देना चाहिए, मतलब वो इतनी शक्कर डालेंगे डायबिटीज का पेशेंट तो मर जाए, सीधे सीधे ऊपर चले जाए, इतना खतरनाक, मतलब वो गांव के लोग रहते हैं तो सहन कर लेते हैं, कोई शहर का डायबिटीज का पेशेंट अगर घुस जाए उनके घर में और पिला दे उसको वो लोग चाय, तो उसका वो जिंदगी का आखिरी दिन होता है, ये समझ लो तुम, मतलब इतनी मीठी चाय वो सहन ही नहीं कर सकता बंदा, नाश्ता एकदम पेल के चल रहा है, खाना एकदम पेल के चल रहा है, जगह कहाँ है पेट में पता ही नहीं चल रही है किसी को, सब एकदम धूम धड़ाके से एकदम चल रहा है, गांव खेत में जा रहे हैं मस्त मेहनत एहनत कर रहे हैं, एकदम खतरनाक मेहनत कर रहे हैं, ये ले लट्ठे मार रहे हैं किसी को, किसी झगड़ के आ जा रहे हैं, किसी झगड़ा हो जा रहा है, कोई घर पे आ जा रहा है घर से उठा के ले जा रहा है, बड़े तो बड़े हो बच्चे बच्चे भी एकदम एकदम चालू हो जा रहे हैं, किसी को भी छुरी उरी मार के आ जा रहे, कुल्हाड़ी से दे मार रहे, किसी का सिर फोड़ डाल रहे, तो ऐसा है ना कुछ की कुछ चल रहा है, ये इधर डेली का वहाँ पे नॉर्मल रूटीन, ऐसा खतरनाक, इतनी मेहनत करेंगे तो चाय तो चाहिए, फिर चाय बनेगी, फिर चाय पियेंगे।